यक जमाना सोहबत बा ओलिया बेहतर सत सालतात बेरिया हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा ऊ नशीनत दर हजूर ओलिया। अल्लाह के वलियों के साथ में सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। और वो जो चाहता है कि अल्लाह के वलियों के साथ में बैठे उसे चाहिए कि अल्लाह के वलियों के तस्करे किया करे, यानी उनकी सोहबत में बैठा करे। और वो जो खुदा के साथ हमनशीनी चाहता है अल्लाह के वलियों के साथ में बैठे। हम एक ऐसे आस्थाने पर हाजिर हैं सूफियों की बारगाहों में, या सूफियों की सोहबत अगर मैसर ना हो तो उनकी बारगाहों में जाकर के फैज़ लिया जा सकता है। हज़रत सैयद मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, सोपा शरीफ महाराष्ट्र में एक कस्बा है और उस कस्बे में हज़रत का मज़ार है, और उस आस्थाने पर इस वक्त हम हाजिर हैं, हाज़िरी दी है, सुकून मिला है। और उसके बाद हम हज़रत की तारीख़ जानने के बारे में हमने दो ज़िम्मेदारों से यहाँ मालूम किया है तो बताया कि सन 1280 में हज़रत सैयद मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए थे। आने की क्या तारीख़ है, क्या वाक़िया है और किस तरह से हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला का यहाँ क़याम हुआ है। सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्ग हैं और इस मुल्क को यानी हिंदुस्तान को चिश्तियों का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क में चिश्ती सिलसिले के जो बुज़ुर्गान दीन हैं वो मेज़बान हैं, और बाकी तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग हों, कादरी हों, नक्शबंदी हों, सोहरवर्दी हों, जो भी तमाम सलासिल के बुज़ुर्ग हैं वो मेहमान हैं। हज़रत ग़रीब नवाज़ से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर हज़रत दकन में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज, और बताते हैं कि ये हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के भांजे भी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि तारीख़ क्या है इसकी, और तारीख़ बताने से पहले अपना नाम भी आप बता दें, चूँकि आप यहाँ खिदमत करते हैं, लोग आने वाले आपसे मुलाकात भी कर लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सरकार की शान में क्या कहूँ, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि सरकार सैयदना शाह मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाही अलैह, सरकार 1280 हिजरी में सरकार यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। तो सरकार के आने से पहले यहाँ पर पूरा जंगल सुनसान था, तो यहाँ पर आबादी ही नहीं थी। तो जैसे सरकार यहाँ पर तशरीफ़ लाए वैसे ही आबादी हुई, और उसके बाद में फिर सरकार का विसाल की तारीख है 1311 में सरकार विसाल फरमा गए। तो मतलब आने के बाद में तकरीबन 30-31 साल सरकार यहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद में फिर लोग आते गए और आबादी बढ़ती गई यहाँ पे। तो यहाँ आने की वजह हज़रत की क्या थी, क्या आपको तारीख़ मिलती है, चुड़ैल के बारे में तस्करा कर रहे थे आप? वो जो चुड़ैल वगैरह डाकिन वगैरह थे कि वो गांव में किसी को आने देते नहीं थे, लोगों को ख़त्म कर देते थे, और कोई आया तभी मतलब वो ख़त्म हो जाता था। सही। इसके लिए सरकार को हुक्म हुआ यहाँ पर आने का। जी। और जैसे ही सरकार यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसके बाद में फिर उनका खात्मा हुआ। तो ये बहुत अहम तारीख़ है, और इसको अगर आप अजमेर शरीफ जोड़ करके देखेंगे तो अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान की सत्ता को जब हज़रत ग़रीब नवाज़ की रूहानियत ने हिलाया था तो उसने भी उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर का मुकाबला हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से कराया था। जोगी जयपाल आसमान पर उड़ा, उसने पत्थरों की बारिश शुरू की। इधर हज़रत ग़रीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खड़ाओं को हुक्म दिया, खड़ाओं उसकी सर पर पड़ी, पीटती हुई ज़मीन पर लाई। हज़रत ग़रीब नवाज़ के कदमों में अब्दुल्ला बयाबानी बन करके वो गिरे, यानी उनको मुसलमान कर लिया गया, और आज भी उनका मज़ार अजमेर शरीफ में मौजूद है। और सेम सिचुएशन यही यहाँ इस मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर है कि जो अटैक कर रही थी चुड़ैल, यहाँ लोगों को आने नहीं देती थी, परेशान किया करती थी, हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला का मुकाबला उससे हुआ, उसने अटैक किए और लगातार उनकी पूरी गैंग थी अटैक करती रही, लेकिन हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला की रूहानियत के सामने वो टिक ना सकी। और उनकी जो सरदारनी थी उसका भी मज़ार यहाँ है, क्योंकि उसने तौबा कर ली थी और हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया था। तो बताने वालों ने बताया कि ये जो दरवाज़ा है उस दरवाज़े में उसकी मज़ार भी मौजूद है, तो वो खिदमत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह से अजमेर में अब्दुल्ला बयाबानी जो जोगी जयपाल हुआ करते थे वो मौजूद हैं। और ये सूफियों के करामात हैं। कब उर्स होता है हज़रत का? ये उर्स शरीफ 16 जिलकत को होता है, और ये जो मेला है तो 4 दिन चलता है। तो पहले दिन जो संदल बोला जाता है, जिसको सुबह 9 के और 10 के इसमें गाँव वाले सब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर आकर जो पानी डालने का जो गुसल रहता है वो यहाँ पे नज़दीक ख्वाजा साहब के मतलब जगह के अंदर से कुआ है, वहाँ से सब लोग पानी लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे गुसल होता है, और शाम में 9 के बाद यहाँ पे संदल निकलता है। दूसरे दिन सभी हिंदू मुस्लिम गांव वाले बाहर वाले लोग आकर जो चिराग जलाकर अपनी जो मन्नत है वो पूरी करते,
तीसरे दिन शाम को कव्वाली का प्रोग्राम होता है और चौथा दिन जो रहता है मुख्तसर, जहाँ पे वेज, जहाँ पे वेज पुलाव बोल के बाबा के सदियों से चलते आ रहेला वो लंगर बनता है। वो लंगर करीबन 15 क्विंटल यानी 35-30 हज़ार के लोगों के हिसाब से होता है और वो सभी लोग उसको तबरुक बोल के खाते हैं। और उसके बाद जो भी मुख्तसर मौलाना आकर किताब होता है और सभी लोगों के साथ में अच्छी तरीके से उर्स यहाँ का होता है। चिश्तियों के यहाँ कव्वाली गज़ा है तो कव्वाली भी होती है, बयान भी होता है, कुरान खानी भी होती है, संदल भी होता है। तो खानकाहों में जो रसूमात अपनाई जाती हैं वो खानकाहों में इस खानकाह में भी होती हैं। ख़ास तौर से वेज पुलाव का तस्करा किया यहाँ पर और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सूफिया भी ये जानते थे कि मेरे मज़हब में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, लेकिन दूसरे की ख्वाहिश के लिए या दूसरे के जज्बात के लिए अपनी ख्वाहिश को क़ुरबान कर देना, ये सूफिया इकराम का तरीक़ा रहा। और जब ये अपनी ख्वाहिश को दूसरे के जज्बात के एहतराम के लिए कुर्बान कर देते थे तो पूरी पूरी सोसाइटी फतह कर लेते थे, पूरे समाज को जीत लिया करते थे। 1280 में हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला यहाँ आए थे और आज तक लोग इनकी बारगाह का वेज पुलाव खाते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन पर भरोसा है कि इनकी खानकाह का जो लंगर है या इनकी खानकाह का जो खाना है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो हर खाने वाले को शिफा तो दे सकता है लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं चावल खाने को, लेकिन यहाँ का वेज पुलाव बीमार खा करके शिफा पाते हैं। और अल्लाह ने इन वलियों की सोहबत से, अल्लाह ने इन वलियों के नामों में वो बरकतें रखी हैं कि इनकी बारगाह में बंदा आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी बारगाह के वसीले से उनकी तमाम परेशानियों को दूर करता है, तकलीफ़ों को दूर करता है। बुज़ुर्गों से हकीकत शरीयत मारिफत सीखना चाहिए और साथ ही ये भी सीखना चाहिए कि जहाँ बुज़ुर्गों ने रात रात भर अल्लाह का जिक्र किया, क़यामुल लैल किया, रुकू व सुजूद किए, तो वहीं दिन में मखलूक़ खुदा की खिदमत भी की। टीके वाला, पगड़ी वाला, टोपी वाला, टाई वाला, बुरके, साड़ी, ये सब एक जगह जमा होते हैं जहाँ ये खानकाहों का आंगन होता है। आज भी इस नफरत के माहौल में एक आंगन, एक आस्ताना जो सब के लिए खुला हुआ है, लव फॉर ऑल, रिस्पेक्ट टू ऑल और सर्विस टू ऑल का कॉन्सेप्ट अगर कहीं आपको मिल सकता है इस 21वीं सदी में 2020 के भारत में, तो ये हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? और जो है कि 1558 में अकबर बादशाह के दौर में सरकार का रोज़ा तामीर हुआ और 1658 में औरंगज़ेब बादशाह का यहाँ पे हाज़िरी देना हुआ और उसी सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पर हाज़िरी देकर गए। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे कौम के लोग आते हैं और सबसे बड़ी बात तो हमारे पीर मुर्शिद मौलाना इकबाल साहब अशरफी साहब वो कहते थे कि मैं जो भी हूँ इस सरकार की नस्बत से हो, मतलब जो भी हूँ मैं सरकार की नस्बत से हो, तो सरकार की बारगाह में हमारे हजरत जो है हर साल उर्स में बयान करते थे, तो सरकार की बारगाह में हर साल हाजिरी बिलाना का देते थे। तो यही है जी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी आ रहे हैं, औरंगज़ेब भी आ रहे हैं और अपने वक्त का अकबर, इस अकबर के दौर में इस पूरे मज़ार की तामीर हुई। तो ये बादशाह हो, गदा हो, मोहताज हो, आका हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मज़दूर हो, किसी भी तबके का इंसान हो, अगर वो कहीं जाकर के झुकता है या कहीं जाकर के अपनी अकीदतों का नजराना पेश करता है तो वो औलिया अल्लाह की बारगाहें हैं। हमारी खुशनसीबी है और आप देखने वालों की भी खुशकिस्मती है कि आप सूफियों के आस्थानों से, उनकी दरगाहों से मोहब्बत करते हैं और इन तस्करों को सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और यकीनन इसी मिशन का हम लोग हिस्सा हैं कि मोहब्बत के इस माहौल को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि नफरत को हरा सकें, सूफियों के इस बनाए हुए मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हाफिज़ इरफान अशरफी साहब, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुणे के सदर हैं, हाफिज़ इमरान अशरफी साहब हैं, हाफिज़ इरफान अशरफी साहब के वालिद साहब हमारे साथ हैं, महफूज़ खान साहब, मुन्ना भाई हमारे साथ हैं और अशरफ भाई हैं, बाकी तमाम लोग उधर आसिफ भाई हैं, कैमरे के पीछे अल्तमश हैं, तमाम लोग जो है बोर्ड की, जो ऑल इंडिया और मशाइख बोर्ड के तमाम लोग हैं वो इस वक्त हज़रत मंसूर आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हैं। हाज़िरी दी है हमने, आप भी कभी अगर महाराष्ट्र में आना हो तो ज़रूर इस आस्थाने पर हाज़िरी दीजिए और इस आस्थाने से फ्यूज़ बरकात हासिल करिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।